बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज आप देख रहे हैं कुलसुम का किचन यूट्यूब चैनल। आज की जो रेसिपी लेकर मैं आपके साथ हाजिर हुई हूँ है पोटैटो पिज़्ज़ा कटलेट्स, जो कि स्नैक्स भी हैं, आप बच्चों को टिफ़िन में रख के दे सकती हैं। चले पिज़्ज़ा कटलेट्स बनाने के लिए जो हमें इन्ग्रीडियंट्स चाहिए वो ये हैं। मैंने आधा किलो आलू उबाल कर इसको मैश करके रख लिया है। हाफ कप, एक कप हमें चिकन का शर्डर चिकन कर लिया मैंने इसको उबाल के, एक कप चाहिए पिज़्ज़ा सॉस हाफ कप, कुटी हुई मिर्चें हाफ टी स्पून, एक टी स्पून नमक, डेढ़ टी स्पून काली मिर्च, एक टी स्पून सफ़ेद मिर्च, एक टी स्पून ओरिगानो, दो टेबल स्पून ऑयल। स्टफिंग के लिए हमें एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज चॉप कर लिया है, बारीक बारीक काट लिया है, एक शिमला मिर्च मैंने बारीक बारीक काट ली है, और एक मीडियम साइज का टमाटर मैंने मीडियम साइज का काट लिए। चले अब आलू में मसाले ऐड करते हैं। हाफ टी स्पून हम नमक ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून हम काली मिर्च ऐड करके इनको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। आलू बिल्कुल आपके मैश होने चाहिए, बिल्कुल मुलायम, क्योंकि हमने इसकी स्टफिंग करनी है, इसमें स्टफिंग डालनी है। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी काली मिर्च और नमक को। चलिए ये मिक्स हो गया, इसको रख लेते हैं। अब हम स्टफिंग की तरफ चलते हैं। मैंने पैन लिया, उसमें मैंने दो टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के डाले हैं। अब मैं इसके अंदर ये एक कप जो चिकन था वो डाल दूंगी। अब इसको इस फ्राई करते हैं। जब थोड़ा सा हल्का सा फ्राई हो जाएगा इसमें हम फिर प्याज ऐड कर देंगे। अब चिकन हमारा फ्राई हो गया है, इसके अंदर मैं मसाले ऐड करूंगी। ये बची हुई काली मिर्च और सफेद मिर्च में डाल रही हूँ, जो बाकी नमक बचा था वो, और आधा हाफ टी स्पून मैं कुटी मिर्च डाल रही हूँ, ओरिगानो एक टी स्पून डाल रही हूँ। अब मैं सारे मसाले इसमें मिक्स कर लूँगी। अब इसमें हम प्याज ऐड करेंगे ताकि इसका पानी खुशक हो जाए। एक मीडियम साइज की मैंने चॉप करके प्याज काटी थी, एक शिमला मिर्च मैंने बारीक बारीक काट ली, और एक मीडियम साइज का मैंने टमाटर काट के डाला। चलिए हम मिक्स करते हैं। इनका पानी खुशक करते हैं इसी तरह। हल्का से इसको फ्राई करके इसमें मैं पिज्जा सॉस डाल दूंगी। सब्जियां हमारी चिकन सब्जियां अच्छी तरह फ्राई हो चुकी हैं, इनका पानी अच्छी तरह खुशक हो गया। मैं इसमें हाफ कप पिज़्ज़ा सॉस डालूंगी। अगर पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो कोई बात नहीं, आप टमाटो केचप यूज़ कर सकती हैं। अगर ओरिगानो नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकती हैं ओरिगानो को, लेकिन पिज़्ज़ा सॉस की जगह आप टमाटो केचप यूज़ कर सकती हैं। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। स्टफिंग हमारी तैयार हो गई है, इसको हम ठंडा करने के लिए प्लेट में निकाल देंगे, इसको ठंडा कर लेते हैं।
अब स्टफिंग हमारी ठंडी हो गई है, अभी इसके हम कटलेट्स बनाएंगे। कटलेट्स के फ्राई करने के लिए जो हमें बाइंडिंग के लिए चीजें चाहिए, मैंने 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और 3 टेबलस्पून मैदा लेके इसको मिक्स करके रख लिया है। ब्रेड क्रम्स चाहिए हसबे जरूरत, 1 अंडा मैंने इसको फेंट के रख लिया है, 1/2 कप मैंने मोज़रेला और चेडर चीज दोनों मिक्स करके इसको क्रश कर लिया था। अब हम कटलेट्स बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें थोड़ी सी हम चीज रखेंगे, अब स्टफिंग डालेंगे इसके अंदर। अब दोबारा चीज रखेंगे, इसको हम कटलेट्स बनाएंगे। ये देखें जैसे मैं बना रही बिल्कुल इसी तरीके से बनाना है आपने। ये हमारा कटलेट्स हम तैयार हो गए हैं। इसी तरह मैं 1 by 1 बना के रखती हूँ। चलिए कटलेट्स की हम लेयरिंग करते हैं। पहले मैं मैदा और कॉर्नफ्लोर 3 टेबलस्पून मैंने लेके इनको मिक्स करके रख लिया, उसके साथ लेयरिंग इसकी इसको डिप करूंगी, फिर अंडे में डिप करेंगे। फिर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे इसको, दूसरे सूखे हाथों से इसको ब्रेड क्रम्स लगाने हैं। इसी तरह 1 by 1 करके मैं रख लूंगी, फिर उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। अब 1 by 1 करके मैंने सारी स्टफ लेयरिंग कर ली है, अब हम इसको फ्राई करेंगे। ऑयल को मैंने पैन में डालकर गरम करने के लिए रखा है, थोड़ा सा गरम होगा तो फिर इसमें मैं डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल गरम हो गया, अब 2-2 करके मैं कटलेट्स को फ्राई करूंगी। बस हमने इनको फ्राई करना है क्योंकि हर चीज तो कुक हुई है, इसलिए हम बस इसको फ्राई करेंगे। फ्राई पैन में जगह थी, मैंने 3 डाली है, 3-3 करके मैं 6 के 6 फ्राई कर लूंगी। अब मैं इसको देखती हूँ कि देखिए अच्छा कलर आ गया इसके ऊपर। अब हम इसको पलटेंगे, ये देखिए बहुत अच्छा कलर आ गया। इसको हमने शैलो फ्राई नहीं करना, बस कटलेट्स हमारे फ्राई हो गए, लेकिन कितना अच्छा अच्छा कलर आ गए। अब हम इसको उतारेंगे और डिश आउट करेंगे। हमारे पोटैटो पिज्जा कटलेट्स चीज तैयार हो चुके हैं, मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। देखें बहुत ही खूबसूरत इसकी लुक आ रही है, बहुत मजे के बने हैं। आप इसको गेट टुगेदर पार्टी में बना सकते हैं, बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं, लंच में, और जैसे चाहे आप इसको बना के खा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएंगे। चले मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितने यमी बने हैं, कितने देखेंगे इनकी लेयर देखें, बहुत ही मजे के बने हैं और बहुत टेस्टी बने हैं। ये आपके बहुत हिट जाएंगे इंशाल्लाह। चलिए अभी मैं थोड़ा सा खा के दिखाती हूँ।
बहुत ही मजा, बहुत ही टेस्टी, बाहर से क्रंची अंदर से जूसी, बहुत ही टेस्टी बने हैं ये आपके, बहुत सब बहुत पसंद करेंगे। मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं बयान कर सकूँ, बहुत ही टेस्टी बने हैं। चलें इसी के साथ मुझे इजाजत दें, अगली रेसिपी के साथ आपके साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज।